मसीह के मदर और जलाली नाम में सभी भाई बहनों को हमारी तरफ से जय मसीह की। मैं हूँ पास्टर रेखा और आपका बहुत बहुत स्वागत है यीशु की बेटी पर। और हम फिर से हाजिर हैं कल के फिर से नई टॉपिक पर, जो व्यभिचार के ऊपर हम रेगुलर 2-3 वीडियो दे चुके हैं। और मैं चाहती हूँ कि आज फिर व्यभिचार के ऊपर मैं वीडियो दूँ, क्योंकि आजकल जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी को पता है कि व्यभिचार कैसे छाया हुआ है और व्यभिचार से मसीह भाई बहन कैसे बाहर निकले, कैसे निजात पाए, क्योंकि इससे निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप व्यभिचार से बाहर निकलेंगे नहीं, तब तक आप परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं बनेंगे। क्योंकि व्यभिचार ऐसा पाप, ऐसा गुनाह है जिसकी कोई क्षमा नहीं है। ये सारी उम्र आपके को दाग देता है, आपको बदनामी देता है। आप बूढ़े भी हो जाएंगे तब भी आपके नाम पर बदनामी होती रहेगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि प्रभु आपके बारे में क्या कहता है, प्रभु आपको क्या कहता है, उस बात को सुनकर आप प्रभु की ओर वापस चले। अगर आप गुनाह में हैं, पाप में हैं, आपने व्यभिचार किया है, तो मत डरिए, मत घबराइए। मेरा परमेश्वर आपको बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, आपसे बहुत प्यार करता है, वो चाहता है कि आप मेरे पास आओ। अगर हम पुराने नियम से देखते हैं तो दाऊद ने पाप किया, जो इतना प्यारा जन परमेश्वर का था, जो बचपन से ही वो चुना गया था बड़े बड़े काम करने के लिए। दाऊद ने गोलियत को मारा, एक छोटा सा दाऊद, उसने इतने बड़े गोलियत को मार डाला, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का फजल उसके ऊपर था। तो वो भी बीच में जाके क्या करता है, पाप कर देता है। तो प्रभु के वचन में लिखा, पाप की मजदूरी मौत है। तो मौत क्या होती है? मौत ये नहीं कि हम दुनिया को छोड़ के चले जाएं, मौत वो है जो हमें बेइज्जती है हमारे जीवन के ऊपर, शर्मिंदगी है हमारे जीवन के ऊपर, वो सारी उम्र जो कलंक लग जाता है उसका नाम मिटना, यही मौत होती है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि इस मौत से आजाद होना, शर्मिंदगी से आजाद होना, तो आज मेरा परमेश्वर आप सभी को पुकार रहा है। विश्वास, अगर पूरे मन से विश्वास से आज आप हील होना चाहते हो, चंगे होना चाहते हो, छूटना चाहते हो लत से, गंदी लत से, तो परमेश्वर आपको छुएगा। वचन को सुनिए, उस पर मनन करिए और प्रभु से माफी मांगिए। हालेलुया। वचन गलातियों 5:16 में लिखा, वहां से पढ़ते हैं, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किस रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, ये और ये एक दूसरे के विरोधी है। हालेलुया। अगर मैं आपको कहूं कि अगर आप छूटना चाहते हैं तो आप मेरी पुरानी 2 वीडियो है, पार्ट 1 पार्ट 2, वो देखिए और वहां से आपको पता चलेगा व्यभिचार क्या है, अब कैसे फैलता है। तो अब आपको वो आपका शरीर नहीं देखने देगा, क्योंकि आत्मा शरीर के विरुद्ध है और शरीर आत्मा के विरुद्ध है, वो दोनों ही आपस में लड़ेगी, वो आपको नहीं देखेंगे। शरीर आत्मा बोलेगी चलो मैं देखती हूँ उस वीडियो को, मैं देखता हूँ उस वीडियो को, क्योंकि मुझे हीलिंग मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, बताया जाएगा कि क्या वीडियो में बताया गया, मैं उसको सुनूंगा और मैं मनन करूंगा। तो आपका शरीर कहेगा छोड़ो, अभी इसी वक्त टाइम नहीं है, अब सोने का टाइम है, अब खेलने का टाइम है, बाहर जाने का टाइम है, घर का काम करने का टाइम है, कौन इतनी लंबी वीडियो देखेगा। तो आपको आपका शरीर नहीं देखने देगा। यही कारण है कि शरीर आत्मा के विरुद्ध है और वृद्ध आत्मा शरीर के विरुद्ध है। और आपको देखना है कि आपको क्या करना है, अपने आत्मा की सुनिए या शरीर की सुनिए। अगर आप डिलीवरेंस चाहते हो, छुटकारा चाहते हो, तो ये आपने डिसाइड करना है कि हमने किसकी सुननी है। आगे हम वचन पढ़ेंगे 19 में, शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म। ये सब जो काम आज हम दुनिया में देख रहे हैं, अपने जीवनों में हम देखते हैं कैसे हम भरे पड़े हैं इन सब चीजों के साथ, गंदे विचार आते हैं, व्यभिचार करने का मन करता है, लुचपन, मूर्ति पूजा, जो सब कुछ आप देख रहे हो, सारे काम इसमें लिखे, अगर डीपली पढ़ेंगे सारे काम आपको यहां मिल जाएगा। ईर्ष्या करना, विरोध करना, किसी के बारे ज्यादा सुनना ना, जेलसी रखनी अपने मन में किसी के, तो ये सारे जितने 19 में लिखे हैं सारे शरीर के काम है, जो इंसान शरीर में है उसके अंदर ये सारे काम होते हैं। अब आत्मा की हम बात करते हैं कि आत्मा में कौन से काम होते हैं, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीर्य, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। ये जो आत्मा के काम है आपने बताए, आपने इन कामों को लेना है। अगर आप व्यभिचार को छूटना चाहते हैं, बुराई अपने जीवन से निकालना चाहते हैं, प्रभु के राज्य के लिए आप करना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो आगे, अपने जीवन को एक सक्सेस दिशा में लेके जाना चाहते हैं, चाहते हैं कि मेरी शर्मिंदगी दूर हो, जो व्यभिचार के कारण यहां माथे पर लग चुकी है, व्यभिचार बोला जाता है, बहुत सारी महिलाएं विधवा
विधवा महिलाएं जो गंदे काम करती है और वो कलंक लेके जी रही है, बहुत सारी बहनें ऐसी है जो पति के होते हुए बाहर जाने की ऐसे संबंध रखती है, वो भी कलंक उनके लिए है। अगर आप चाहते हैं मेरी बहनों की छूटना, मेरे भाइयों अगर आप चाहते हैं कि इन सब चीजों से छूटे, तो अपने शरीर के जो भी अपराध है ना, शरीर के जो भी गंदे काम हो उसे छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। अब आप कहेंगे कि हम त्यागना चाहते तो हमसे नहीं त्यागा जाता, तो हम क्या करें? तो आपने करना कुछ नहीं है, आपने सिर्फ इसी वीडियो में क्या करना है, अपने पापों की क्षमा मांगनी है, परमेश्वर से माफी मांगनी है, तौबा करनी है कि प्रभु हमें क्षमा कर दे, हम इस सर जो शरीर के काम लिखे गए हैं प्रभु हम उनमें नहीं आना चाहते, प्रभु हमारे जीवन में ये काम है, हम बुराई से दूर भागना चाहते हैं, पिता हमें छुड़ा। तो मेरा परमेश्वर आज को आपको छुड़ाएगा, वो छुड़ाने की ताकत रखता है। आपने देखा कि कैसे वो व्यभिचार को मेरे परमेश्वर ने छुड़ाया और उस व्यभिचार ने कितने आगे बड़े बड़े काम किए होंगे, हालेलुया। कैसे वो सामरी स्त्री थी जो पापन थी, जो इतने पति थे उनके, तो प्रभु ने बोला उसके बारे में बोला और उसका जीवन बदल गया, प्रभु ने उससे क्षमा किया तो उसका जीवन बदल गया। वो आपका भी जीवन बदलेगा, मेरा परमेश्वर सबका जीवन बदलता है, वो आपका जीवन भी बदलेगा। अगर आप चाहते कि ये शरीर के काम मेरे जीवन से नाश हो जाएं, ये गंदे काम, ये गंदा सोचना, गंदा देखना, गंदा शब्द बोलना और गंदा किसी के लिए अपने मन में रखना, अगर आप चाहते कि मैं छूटूं इन सब बच्चों से, आज छूटने के दिन, आज रिहाई का दिन है, आप प्राप्त करोगे रिहाई मेरे प्रभु यीशु के नाम से, आप फ्री हो जाओगे अगर आप आज कहोगे तो। बिना मांगे आपको कुछ नहीं मिलता, प्रभु का वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा, जब तब अपने होठों से, अपने मन से, सच्ची दिल से आवाज नहीं प्रभु के से लगाएंगे कि प्रभु मुझे छुड़ा, मुझे इस पाप से आजाद कर, इस शर्मिंदगी को मेरे माथे से हटा दे, तो प्रभु आपकी शर्मिंदगी को हटाएगा। देखिए दाऊद ने माफी मांगी, दाऊद रोया, गिड़गड़ाया प्रभु के आगे, तो परमेश्वर ने दाऊद की आवाज को सुना और उसे क्षमा किया कि नया जीवन दिया। फिर भी प्रभु ने कहा कि तुझे फिर से एक नई शुरुआत करनी होगी दाऊद, जैसे पहले तुझे एक स्टेप से दो स्टेप से जाना पड़ा था ऊपर सोन पौड़ी तक, तो आपको प्रिय भाई बहन हो सकता है ऐसा जाना पड़े, आपको फिर से शुरुआत करनी होगी, पर वो शुरुआत जब आप करेंगे तो मेरा परमेश्वर आपको शुरुआत में सक्सेस करेगा, हालेलुया। जितने लोग प्रभु से माफी मांगना चाहते हैं आइए मेरे साथ प्रार्थना में बोले, मेरा विश्वास मेरा प्रभु आपको माफ करेगा, आपके अंदर जो भी गंदे गंदे विचार चलते आज वो आज से नहीं आएंगे, आप फ्री हो जाएंगे यीशु के सामर्थ्य में। आइए प्रार्थना करने से पहले आप सभी से निवेदन है, अपने गुनाहों को अपने सामने रखें, सारे गुनाह जो आप दिन भर में करते हैं, जो फोन के द्वारा आप करते हैं, अपने होठों के द्वारा, अपने मन की कुड़ाहड़ के द्वारा, जो आपके सोचों में है, जो आपने सोचा है किसी के प्रति गंदा, अगर आप चाहते हैं छूटे तो अपने उस पाप को अपने सामने लेके आए और प्रभु से क्षमा मांगे मेरे साथ, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर, सैनिकों की यहोवा मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ, तारीफ करती हूँ पिता परमेश्वर, आज के इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर शाम के लिए प्रभु, सुंदर वचन के लिए प्रभु परमेश्वर, जो आपने भाई बहनों के लिए दिया पिता परमेश्वर, खुदावन जितने लोग सिर झुकाई खड़े खुदावन की, हम पिता परमेश्वर शरीर के कामों को त्याग दे पिता, एक नया जीवन इन्हें मिल दे प्रभु, जो पश्चाताप करे पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरे वचन में लिखा पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग राज निकटे, प्रभु अगर ये स्वर्ग राज में जाना चाहते तो प्रभु परमेश्वर ये माफी मांग रहे, क्षमा मांग रहे, तो प्रभु आज इन्हें क्षमा कर, पश्चाताप कर रहे प्रभु, हम फिर से पाप नहीं करेंगे तो प्रभु इन्हें क्षमा कर दे, इन्हें क्षमा कर दे प्रभु, इन्हें माफ कर दे प्रभु, एक नया जीवन दे, देखो जैसे दाऊद को आपने नया जीवन दिया प्रभु, सामरी स्त्री को एक नया जीवन दिया पिता, उस प्रभु जी व्यभिचारिणी को आपने नया जीवन दिया, इन सबको प्रभु एक नया जीवन दे खुदावन, इनके अंदर सब गंदे काम निकल जाए प्रभु यीशु, तेरे सामर्थ्य नाम पिता, इन सब भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, तेरा बड़ा अनुग्रह, बड़ी दया प्रभु, तेरी बड़ी मोहब्बत प्रभु, तेरा बड़ा हाथ इनके ऊपर आए प्रभु, और छुड़ाए जाए प्रभु यीशु, तेरे सामर्थ्य नाम में ये बचाए जाए प्रभु यीशु, तेरे सामर्थ्य नाम में, और मेरा विश्वास है प्रभु आज की प्रार्थना के द्वारा ये बचाए जा चुके हैं, आज ये फ्री हो चुके हैं सब पाप से, जब गंद मंद जो भी प्रभु इनके अंदर है प्रभु जी, जो अपने शरीर के काम बताए प्रभु जी, सब शारीरिक कामों से प्रभु ये आजाद हो चुके हैं, ये फ्री हो चुके हैं प्रभु यीशु, तेरे सामर्थ्य में तेरा बड़ा अनुग्रह, तेरा बड़ा हाथ प्रभु इनके जीवनों के ऊपर आ चुका है पिता परमेश्वर, मैं देख रही हूँ प्रभु तेरी बड़ी दया को इनके ऊपर आते हुए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ महिमा माई परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ सैनिकों की यहोवा मेरे परमेश्वर, सारी महिमा प्रभु तेरे नाम को मिले, सारा इज्जत सारा जलाल यीशु तेरे नाम को मिलता रहे, खुदा यीशु मसीह के पवित्र बड़े नाम से हम मांगते हैं, आमीन, सब बोलिए आमीन। आज मेरे परमेश्वर ने आप सभी को क्षमा कर दिया है, दोबारा पाप नहीं करना है, क्योंकि बार बार तौबा नहीं की जाती है और बार बार क्षमा मांगना भी पाप है, हालेलुया। तो अब सबको मिलेंगे कल वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की।